दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक होने जा रही है, जहां सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक को बुलाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, फूलो देवी नेता बैठक में शामिल होंगे। बैठक में हार की समीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होगी CWC की बैठक, और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा है, मात्र एक सीट कांग्रेस जीत पाई है, और उसके बाद ये चर्चा जोरों शोरों पर कि आखिरकार कहां पर लापरवाही हुई है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जहां पर कांग्रेस का डंका छत्तीसगढ़ में बज रहा था, और उसके बाद इस बुरी हार के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर समीक्षा की जाना चाहिए। और इसी के चलते जो भूपेश बघेल है, दीपक बैज है, इन सभी को बुलाया गया है दिल्ली, और आज CWC की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार CWC की बैठक हो रही है। तो दिल्ली में भूपेश बघेल, दीपक बैज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। CWC की महत्वपूर्ण बैठक आज, खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में हार की समीक्षा की जानी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शिवम प्रताप जुड़ गए हैं। शिवम, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, कांग्रेस के लिए समीक्षा करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का डंका बज रहा था, और इस बार लोकसभा इलेक्शन में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का। इलेक्शन के बाद ये पहली बैठक CWC की? देखिए, निश्चित तौर पर आमतौर पर हर लोकसभा चुनाव के बाद CWC की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें चुनाव का आकलन किया जाता है कि पार्टी किन क्षेत्रों में हारी, क्या वजह रही, कहां कहां पर पार्टी की जीत हुई, प्रत्याशी चयन कैसा रहा, और उन तमाम चीजों के आकलन को लेकर ही आज CWC बुलाई गई है, जिसमें सभी सदस्य बुलाए गए हैं। MP छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को यहां सफलता नहीं मिली है, MP से तो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो गया। ऐसे में तमाम ऐसे राज्य है जहां पर कांग्रेस की इस बार सीटें ना के बराबर आई है, उन सभी पहलुओं को लेकर आज CWC बैठक होगी। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो शेयर मार्केट में 30 लाख करोड़ के नुकसान की बात कही थी, बड़ा मुद्दा उठाया था, उसको लेकर भी एक रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। CWC के बाद शाम 5 बजे कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, जो बेहद अहम हो जाती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसद, राज्यसभा के सांसद सब पहुंचेंगे, और उसमें सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इस बार चूंकि कांग्रेस के पास नंबर्स अच्छे हैं, ऐसे में लोकसभा में विपक्ष का नेता कांग्रेस को मिलेगा, और कई सांसद ये मांग उठाने वाले हैं कि जिम्मेदारी राहुल गांधी उठाएं। इसके पीछे का तर्क यह है कि सड़क से लेकर संसद तक अगर राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी से लड़ते नजर आएंगे तो विपक्ष का नैरेटिव सेट होगा। तो आज की बैठक इसलिए भी बहुत अहम है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, कि अगर उसमें राहुल गांधी कांग्रेस सदस्य दल के नेता चुने जाते हैं, वो लोकसभा में पार्टी के नेता होते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने एक ऐसा चेहरा होगा, क्योंकि पिछली बार की अगर आप बात करें अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता थे लेकिन विपक्ष के नेता का दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं था, इस बार वो चुनाव हार गए। तो आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम है, एक तरफ CWC में अहम आकलन होगा, समीक्षा की जाएगी, आगे की रणनीति तय की जाएगी, और शाम 5 बजे सत्ता दल की बैठक में शायद लोकसभा में विपक्ष के नेता पर भी चर्चा हो। हालांकि शाम 7 बजे कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स का एक डिनर भी है। बहुत शुक्रिया आपका शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रात में डिनर भी होगा और उसके पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है।